मुंडा पांडे पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख मुंडा पांडे पद को लेकर चली आ रही खींचतान आज समाप्त हो गई है। आज ब्लॉक पर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर भारी पुलिस फोर्स के बीच हुई ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोटिंग में भाजपा ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर नवदीप यादव को बनाया था, तो वहीं प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल सपा ने आयुष यादव को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन मतदान के समय सपा के नेताओं की गुटबाजी दिखाई देने लगी, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख पद के लिए सपा के तीसरे उम्मीदवार भानु यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल कर रखा था, जिसके पास भी कुछ बीडीसी सदस्यों का समर्थन था और वे अपने आप को सपा समर्थित उम्मीदवार से ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मजबूत उम्मीदवार मान रहे थे, जिस वजह से भाजपा को सपा नेताओं की आपसी गुटबाजी का पता चल गया, जिसका फायदा भाजपा के इस चुनाव में रणनीति कर रहे वरिष्ठ नेता ठाकुर रामवीर सिंह ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार डॉक्टर नवदीप यादव को अपनी रणनीति से ब्लॉक प्रमुख पद पर प्रचंड बहुमत से जीत दिलाकर आलाकमान को साबित कर दिया था कि इस क्षेत्र में भाजपा का कोई बड़ा चेहरा है तो वह ठाकुर रामवीर सिंह का है, जिसको सभी जाति धर्मों के लोगों का साथ मिलता है। तो वहीं भाजपा की इस जीत पर ठाकुर रामवीर सिंह ने सपा के एक क्षेत्रीय विधायक और उनके बेटे पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर तीन परिवार बर्बाद कर दिए हैं। इसमें तीन कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, नंबर एक पे आयुष यादव जी थे, नंबर दो पे नवनीत यादव जी थे, नंबर तीन पे भानु प्रकाश। इसमें से मत पड़े हैं, उसमें से प्रथम वरीयता के वैधानिक वैध मत जो है 123, इसमें से आयुष यादव जी को 41 वोट मिले हैं, नवनीत यादव जी को 71 वोट मिले हैं और भानु प्रकाश को 11, और इनको 62 मत प्राप्त करने अनिवार्य थे। जीतने के लिए विजयी होने के लिए प्रथम वरीयता का 62 मत प्राप्त करना अनिवार्य था। प्रथम गणना में ही नवदीप यादव को 71 वोट मिल गए, इसलिए 62 से ज़्यादा हैं, इसलिए नवदीप जी को वोट मिले। सर, इसमें कोई वोट कैंसिल हुआ या किसी तरह का? हाँ, कौन कितने वोट निरस्त हुए इसमें? एक वोट निरस्त। तो सर, मतदान जो किस समय से और किस समय तक चला? 11 बजे से लगभग 3:15 चला। इस बीच में किसी तरह की वोटिंग के दौरान कोई किसी तरह की बात नहीं आती? बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हुआ, बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से, कहीं पर किसी तरफ से कोई भी बात नहीं। मोटा पांडे ब्लॉक, यहाँ सभी वर्गों के, धर्मों के, पगड़े पिछड़े दलित सभी लोग रहते हैं। यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो यहाँ विधायक है उसका सभी दलों ने, गठबंधनों ने साथ दिया और उसने इस इलाके के तीन परिवार मुंडा पांडे के बर्बाद किए, उनकी ज़मीनें बिकवाईं और उनसे 1.5 करोड़ रुपए दो से लिए और 1 से 15 लाख रुपए लिए। जो आदमी दूध बेचने का काम करता है, जो आदमी खेती बाड़ी का काम करता है, किसान लोगों की ज़मीनें बिकवा दी और बाप बेटों ने, पिता पुत्रों ने पैसे दिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँच रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास 70-71 की संख्या शुरू से ही थी। 127 में हमने शुरू भी कह दिया था कि विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए और कोई भी उसे कितना भी सहयोग कर ले, हमारा इस जनता पे, क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्रीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर भरोसा था। अगर आप उन दोनों के भी जोड़ लोगे वोट, तो 11-1 तो मिले हैं और 41-1 तो मिले हैं, टोटल वोट कितने होते हैं? 52, और हमें 72 वोट मिला है, तो 20 वोटों से तो हम दोनों के वोट को जोड़ने के बाद भी इस चुनाव को जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी कले का से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, भारतीय जनता पार्टी की ये जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये ईमानदारी की जीत है, ये हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जीत है, ये सम्मानित जनता की जीत है,
और इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्यों की ईमानदारी वफादारी की जीत। क्या सर, जिस तरह से पूर्व में भी आपके ही ब्लॉक प्रमुख थे भारतीय जनता पार्टी के ललित कौशिक जी, उस समय भी जो विकास की गति थी वो जो जिस तरह चलनी चाहिए थी नहीं चल पाई, गुटबाजी होने लगी क्षेत्र में, क्या इस बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या नहीं? ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब के बहुत संजीदा